Hello guys, this is me Vijay Hina and I welcome you all to another brand new episode of News Play. Let's start the show with some taza khabar. Guys, Dhoom 3 तो अभी तक स्टार्ट हुई नहीं है लेकिन यश राज बैनर ने कर दिए स्क्रिप्ट लॉक फॉर धूम 4 एंड धूम 5. धूम 4 में सलमान खान और धूम 5 में शाहरुख खान करेंगे लीड रोल. धूम 3 में आमिर खान के साथ होंगी कैटरीना कैफ. करंटली यश राज बैनर काम कर रहा है विद सलमान खान इन एक द टाइगर, शाहरुख और कैटरीना की एक अनटाइटल्ड फिल्म और धूम 3 विद आमिर खान. धूम 4 को रिलीज किया जाएगा 2014 में, ईद पर, जो हमेशा सलमान खान के लिए लकी साबित होता है. धूम 4 और धूम 5 में फीमेल लीड अभी तक फाइनल नहीं की गई है. लेट्स सी कि धूम 3 कितना धूम मचाती है, फिर धूम 4 विद सलमान खान एंड धूम 5 विद शाहरुख खान को लोग कितना पसंद करते हैं. संजय लीला भंसाली हैं काफ़ी नाराज़ सोनम कपूर से, जिनको उन्होंने बॉलीवुड में लॉन्च किया था अपनी फिल्म सावरिया से. सोनम कपूर ने एक इंटरव्यू में कहा है कि वो संजय लीला भंसाली की नेक्स्ट फिल्म में काम कर रही हैं और ये बात संजय लीला भंसाली को पता ही नहीं है, जिस पर संजय को आ गया काफ़ी गुस्सा सोनम कपूर पर, क्योंकि संजय का ऐसा कोई प्लान नहीं है अपनी फिल्म में सोनम कपूर को कास्ट करने का. संजय लीला भंसाली की नेक्स्ट फिल्म है बाजीराव मस्तानी, जो अभी तक शो नहीं हुई है. नाउ इट्स टाइम फॉर व्हाट्स हॉट, लेट्स गो एंड एंजॉय. ऑस्कर की तारीख में पहली पाकिस्तानी डायरेक्टर शर्मीन उबैद चुनाय ने अवार्ड जीत लिया. दुनिया फिल्म के सबसे बड़े अवार्ड ऑस्कर की 84 साल तारीख में पाकिस्तान पहली बार शरीक हुआ और पहली ही शिरकत में फिल्म साज शर्मीन उबैद चुनाय ने अपनी दस्तावेजी फिल्म सेविंग फेस के लिए ऑस्कर का मैदान मार लिया. 84 साल से जारी इस अवार्ड में पाकिस्तान की ये पहली एंट्री है. इससे पहले शर्मीन एमी अवार्ड भी जीत चुकी हैं. ऑस्कर अवार्ड हासिल करते हुए शर्मीन उबैद बहुत एक्साइटेड थीं और इन्होंने इस अवार्ड को पाकिस्तान और पाकिस्तानी औरत के नाम किया. And to all the women in Pakistan who are working for change, don't give up on your dreams. This is for you. शर्मीन उबैद ने इस कामयाबी को रुखसाना और जकिया की हिम्मतों के नाम किया है. डॉक्टर मोहम्मद जवाद, who's here with us today, the plastic surgeon working on rehabilitating all these women, Rukhsana and Zakia, who are our main subjects of the film, who's resilience and bravery. Saving Face लंदन में मुकीम पाकिस्तानी प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर मोहम्मद जवाद के मुल्क लौटने और तेजाबी हमलों का शिकार औरतों को तिब्बी इमदाद फराहम करने की कहानी पर मबनी है. It's more important that the Pakistani on the stage. This is for you. Nando's, really, really good chicken. Can't catch me, boy. Overseas at about 100 G for show. Don't test me, boy. Don't test me, boy. 'Cause I rap with the best for show. 305 to the death of me. Cream in my body, let the ocean have what's. And after all, you're my wonderwall. Today was gonna be the day that we're gonna throw it back to you. हम लोग यहाँ पे आए हैं अभी ओपन माइक नाइट पे और हम लोगों ने अभी भी परफॉर्म किया है. हमने दो गाने किए थे, एक था वंडरवॉल और एक था दूसरा था मैड रूम. एंड उसके बाद हमने एक थोड़ी सी बीट बॉक्सिंग भी की थी. एंड वी आर ग्लैड वी गॉट दिस अपॉर्चुनिटी टू परफॉर्म हियर एंड वी होप दैट वी हैव फ्यूचर प्लेटफॉर्म्स फॉर सच परफॉर्मेंसेस. Nando's, really, really good chicken. ये था आज तक का एपिसोड. आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा. टिल देन, दिस इज मी विजय हिना साइनिंग आउट. कीप ऑन वॉचिंग प्ले टीवी, लिव लाइफ एंड लव म्यूजिक.